हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रविंद्र काबरा फ्रॉम गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स, आवर होम गार्डन इन द सिटी ऑफ जोधपुर राजस्थान. टुडे इज 20th अप्रैल. द टेम्परेचर्स, द डे टेम्परेचर सिंस मार्च इज about 37 degrees, and in April it has crossed 40 degrees and has touched 43 degrees. Today fortunately it is 39 degrees. And Gokul, as you see, as it looks today. The beautiful blooms, the beautiful euphorbias, the lovely roses. The temperature is too hot for roses, but they are blooming. That's something amazing and beautifully blooming. This is another section of roses. And this is the beautiful entrance to Gokul. The terrace, the bougainvilleas, which is one of my favorites. थोड़ी बहुत फूल आ रहे हैं अभी भी, मुस्कुरा रही है, लेकिन हरियाली चारों तरफ छाई हुई है 43 डिग्रीज पर भी. यही जिंदगी की खूबसूरती है और यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है प्रकृति. निष्भाव प्रेम करके देखिए, और जो उत्साह, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन आपके जीवन में ये रंग, ये फूल, ये गोकुल, ये प्रकृति भरेंगे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. और कौन क्या कर सकता है ये प्रकृति डिसाइड करेगी. आपको जुड़ना है, आपको समय देना है, आपको पर्सनल टाइम देना है, और फिर कोई कारण नहीं है कि प्रकृति बहुत सुंदर खूबसूरती से अपने रंग आपकी बगिया में नहीं बिखेरेगी. आपकी बगिया भी गोकुल बन जाएगी. अगर आप लोग समझते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मैंने कोई गार्डनिंग कोर्स किया हुआ है या बोटेनिस्ट हूँ या हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ. एक आम सा बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जिसने आज से 40 साल पहले, करीब करीब 38 साल पहले, नहीं सॉरी, 48 साल पहले बीकॉम में ग्रेजुएशन किया था अहमदाबाद से, और वहीं से एक छोटी यात्रा शुरू हुई प्रकृति की 50 गमलों से. तब कुछ भी नहीं आता था, और जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बोला था कि दादाजी को देख के इंस्पिरेशन मिला, उनको देख के जो इनिशियल नॉलेज मिली वो उन्हीं को गार्डनिंग करते देखते देखते मिली, और उसके बाद में बस प्रकृति से बस जुड़ गया, रम गया, प्रकृति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया. और देखिए, विश्वास करेंगे नहीं करेंगे ये तो आप लोग आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, बट प्रकृति के अद्भुत रंग इतनी भीषण गर्मी में भी कितने खूबसूरत हैं
ये आपके सामने हैं। एंथूरियम्स ब्रोमिलिड्स 43 डिग्रीज में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये खिल सकते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं, और ये सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से रंग बिखेर रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता इनको देख के इस वक्त कि आप 43 डिग्रीज के टेम्परेचर में ये हैं। ये हाइड्रेंजियाज, और क्या खूबसूरत हाइड्रेंजियाज हैं। अगेन ये भी एक अपने आप में चमत्कार है, हाइड्रेंजियाज का इस वक्त ब्लूम करना, वो भी बहुत हेल्दी ब्लूम। तो मेरा सबको यही कहना है कि प्रकृति मुश्किल नहीं है, प्रकृति के साथ समय अगर आप दे सकेंगे और देंगे तो प्रकृति आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत इंद्रधनुषी रंगों का समावेश कर देगी, ऐसे ही जीवन आपका इन में घुल जाएगा, खिल जाएगा, मुस्कुरा उठेगा। ये देखिए, अब आप सिर्फ फूल को ना देखें, उनकी पत्तियों को देखें, पत्तियों का कलर देखें, पत्तियों की हेल्थ देखें। जब गार्डनिंग करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है, फूल आना तो होता ही है, लेकिन अगर आपका प्लांट हेल्दी है, सबसे प्रायोरिटी आपकी ये होना चाहिए कि प्लांट हेल्दी है, पत्ते एकदम डार्क ग्रीन अच्छे दिख रहे हों, मुड़े नहीं हों, और तो स्वतः ही आपके फूल इतने खूबसूरत खिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। समय समय से आपको चाहे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करें या इनऑर्गेनिक यूज़ करें, लेकिन समय समय का से इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है करना। तो अगर आप ये करेंगे तो ये इसी तरीके से आपके पौधे मुस्कुराएंगे। समय समय से खाद देना, खाद सारे साल नहीं देना होता है, खाद सिर्फ साल में अगर आप 3 बार देंगे तो भी आपके पौधे इसी तरह मुस्कुराएंगे, और इतनी ही ज़रूरत इनको होती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत इनको नहीं होती है। ये अगर आप देखें तो अफ्रीकन वायलेट है। अब ये भी एक ऐसा फूल है जिसका इस वक्त खिलना बहुत बड़ा करिश्मा है। लिली ग्लोरिसा, ये गर्मियों का फ्लारिंग बल्ब फ्लार है, जो इसकी रिज्मोज होती हैं, ट्यूबर्स होती हैं, रिज्मोज नहीं, ट्यूबर्स होती हैं, जो आपको मार्च में लगानी होती है, और उसके बाद ये बहुत खूबसूरती से आपके बगिया में रंग बिखेरते हैं। किस चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको कहाँ गार्डन में कैसे यूज़ करते हैं, उस पे गार्डन की शोभा आपकी डबल हो जाती है। ये है लिली ग्लोरिसा, और उम्मीद है कि 4-5 कलर इसमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जरेनियम्स, अगेन इनका भी इस वक्त खिलना बहुत सुकून देता है, क्योंकि ये भी इतना इजी फ्लावर नहीं है, इसे भी गर्मी बहुत पसंद नहीं है, और इसका भी सरवाइव करना मुश्किल होता है। अगर आपके पास है तो पूरे छाँ में से मूव कर दीजिए, और पानी कोशिश करके दोनों टाइम दीजिए। वैसे डिटेल में इस पे भी मैं एक वेबिनार बहुत जल्दी करने वाला हूँ, जैसा कि शायद आप लोग में से कुछ जानते हैं, मैं हर संडे को गार्डनिंग पे वेबिनार्स कर रहा हूँ, जहाँ अपने 50 साल के एक्सपीरियंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। 15 से लेके और 40 जने तक हर संडे को शाम को 5:30 जुड़ते हैं, और उनका ये कहना है कि
कि वेबिनार्स अटेंड करने से हमारे जो गार्डन है, हमारा जो जीवन है, वो रंगों से वाकई भर गया, जैसा आप कहते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक छोटे से प्रयास से हम किसी के जीवन में खुशियाँ ला सके, खुशियाँ उनके साथ में बांट सके। ये कैलेडियम्स हैं, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, इनका भी बस ये अब टाइम है, और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सिर्फ पत्ते होते हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ पत्ते होते हैं, और करीब करीब ये 6 महीने अपनी खूबसूरती से आपके गार्डन में एक अलग ही रंगों का समावेश करते हैं। अब कौन कहेगा कि अभी 43 डिग्री में गोकुल है, मुस्कुरा रहे हैं ये साल्विया, खिलखिला रहे हैं साल्विया, मुस्कुरा रही हैं ये कोलियस, रंगों का अद्भुत समागम इनकी वजह से गोकुल में इस वक्त दिख रहा है। अनूठी जिंदगी है प्रकृति की, चिड़ियों की चहचहाहट आपको निरंतर सुनाई देगी, क्योंकि ये गोकुल का पाठ है। स्पैरोज, सनबर्ड, हमिंगबर्ड, पैरट्स, ये सभी गोकुल का एक पार्ट हैं, और आपको हर कोने में इनका संगीत, इनका गीत सुनाई देता रहेगा। अब लोग, आप ताज्जुब करेंगे कि ये भी ब्लूम कर रहे हैं, डेलिया, और खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, बहुत खूबसूरत है, हेल्दी है। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन से हम इस वक्त गोकुल को देख रहे हैं। एक अलग सुकून मिलता है ज़िंदगी में, और ख़ासकर जब ऐसा पेंडेमिक, जब हमारी एक ज़रूरत है कि हम घर में रहें, उस वक्त अगर इन रंगों के बीच में सुबह शाम हम वॉक कर सकें, विचरण कर सकें, घूम सकें, तो जो कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्वतः स्ट्रांग हो जाएगी। प्रकृति से बढ़ के आपकी इम्यूनिटी कोई चीज़ स्ट्रांग नहीं कर सकती। करके देखिए, जुड़ के देखिए, प्रकृति आपको कितना स्ट्रांग बना देगी। आई एम अ 67-year-old यंग मैन, एंड ये व्हाट आई डू इज़ मैनेज माई 7,000 बेबीज ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल अलोन, देयर इज नो हेल्पर, नो गार्डनर, एंड इट्स अ 7-hour शेड्यूल एवरी डे टू वर्क इन गोकुल, अदर देन द प्रोजेक्ट्स विच आई डू। आई एम ऑल्सो इन टू लैंडस्केपिंग, एंड करेंटली ड्यू टू पेंडेमिक इट इज़ ऑन होल्ड। आई वॉज डूइंग IIT जोधपुर, विच इज़ एन 800-acre कैंपस, कम्प्लीटेड द जोधपुर हाई कोर्ट अराउंड 4 months बैक, फॉर 1 year, one and a half years आई वॉज कंसल्टेंट देयर ऑल्सो। इट वॉज अ 100-acre project एंड वन ऑफ द बेस्ट हाई कोर्ट्स, रेटेड हाई कोर्ट्स इन इंडिया, जोधपुर, द न्यू प्रमाइजेज ऑफ जोधपुर हाई कोर्ट। यही जिंदगी का मजा है, दिस इज लाइफ। द ब्यूटिफुल रोजेज, वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर। एंड द लश ग्रीन कार्पेट, द ब्यूटिफुल गोकुल ग्रीन्स, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट 365 days अ ईयर लाइक दिस। जीवन में अगर आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है, तो और मुस्कुराहट को आप अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो एक बार मेरे कहने से आप आधा घंटा
सैटरडे संडे, और उसके अलावा वीक डेज में अगर आप भी दे पाएँ दो दिन और जुड़ के देखिए, करके देखिए। और अगर आपको नए हैं, करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आप वेबिनार्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वेबिनार्स फ्री नहीं है, ₹250 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और वो इसलिए है क्योंकि जब फ्री होता है तो 100 लोग 5 मिनट में जुड़ जाते हैं। गार्डनिंग का इंटरेस्ट है नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है। और चूँकि बहुत लोगों ने जो गार्डनिंग सीखना चाहते थे, जो कह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, आप प्लीज़ चार्ज कर दीजिए एक मिनिमम चार्ज। ये भी उन्हीं का रिकमेंडेड है कि आप ₹250 मिनिमम चार्ज कर दीजिए, और जो जितने भी जुड़े हैं 10, 15, 20, 25, बट आई एम हैप्पी दैट एवरी वेबिनार इज़ बीइंग अटेंडेड बाय एनीवेयर फ्रॉम 20 to 40, 50 नेचर लवर्स एवरी वीक। एंड द वेबिनार्स भी आर बीइंग डन फॉर लास्ट 10-11 मंथ्स नाउ, एवरी संडे एट 5:30 PM। एंड एनीबडी हु विशेज टू जॉइन कैन ऑलवेज कॉल मी और सॉरी कैन मैसेज मी ऑन 7357821333, 7357821333। ये भी दिस इज़ ऑर्नामेंटल खेल, बहुत आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। ये भी सर्दियों की है लेकिन अभी भी खूबसूरती से मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। एंड रोज क्रीपर अराउंड 10 वेराइटीज ऑफ रोज क्रीपर्स आर हियर। यह गोकुल का खूबसूरत वाटरफॉल मैंने और वनिता जी ने मिलके हमने डिज़ाइन किया था आज से 18 साल पहले। चार चांद लगा देता है और शाम के वक्त इस झरने की पानी की गिरने की आवाज़ जो कलकल है वो कानों पे मधुर संगीत घोल देती है। इस बागवान का जीवन प्रकृति को समर्पित है, और शायद कभी कहीं लग जाए, खून आए तो कहीं फूलों का रंग भी आपको उसमें नज़र आ जाए। एक ऐसा जुड़ाव प्रकृति से इस बागवान का हो गया है। आप कहीं से भी गोकुल को देखिए, आपको हरियाली, रंग, एक अद्भुत दुनिया नज़र आएगी। ये देखिए द ब्यूटिफुल गोकुल ग्रीन्स। मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें हैं अगर आप उनको ध्यान करें, फॉलो करें, तो आप भी अपनी लॉन को ऐसी बना सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चूँकि प्रकृति से मेरा जुड़ाव अब करीब 50 साल से ऊपर का हो गया, तो इन पौधों की क्या ज़रूरत है, जैसे एक बच्चे की ज़रूरत हमें पता होती है। दिस इज़ हाथी मोगरा या बट मोगरा भी बोलते हैं इसको। प्रकृति के इतने खूबसूरत रंग हैं कि जिनकी कल्पना करके ही मन प्रसन्न हो उठता है, इनको देख के ही मन प्रसन्न होता है, इनको देख के ही जिंदगी रंगों से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है, मुस्कुराहट से भर जाती है। प्रकृति के रंग इतने निराले हैं। प्लूमेरिया, करीब इसके 30 कलर गोकुल में हैं। गोकुल
मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि गोकुल कैसा है, और इतना एंजॉय कर रहा हूँ इनकी सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना है ऐसा मैं मानता हूँ। और इसकी वजह से ईश्वर स्वतः हमारे नज़दीक आ जाते हैं। अब 43 डिग्रीज में इतने रंगों का, वो भी सर्दियों के रंगों का, गोकुल में खिलना ही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके संग है। एक बार फिर से आपको मैं हाइड्रेंजियस दिखा रहा हूँ, और करीब 18 हाइड्रेंजिया हैं जिसमें से इस वक्त 7-8 में फूल आए हुए हैं और बाकी में कलियाँ आ रही हैं। ये पौधा ऐसा है जो सिर्फ हिल स्टेशंस पे होता है या हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे होता है, पहाड़ों पे होता है। इसका यहाँ खिलना दर्शाता है कि जो भी इसके साथ जुड़ा है वो कितना इसके बारे में जानता है और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। जिसको आइडिया है वही इस चीज़ को ग्रो कर सकता है। तो जो वेबिनार्स होंगे वो अभी बहुत जल्दी में हाइड्रेंजियाज, एंथूरियम्स, ब्रोमिलेड्स पे करने वाला हूँ, जो जैसा मैंने बताया कि हर संडे को होता है। यह गोकुल हमारा घर का गार्डन है और मैं रविंद्र काबरा इसका बागवान, एकमात्र बागवान। खुशी है कि मेरे जीवन में प्रकृति ने अद्भुत रंगों का समावेश कर दिया। गुलाब जो फूलों का राजा है और मेरी पहली पसंद है। प्रकृति कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है, किस तरीके से हमारे जीवन में रंग, इंद्रधनुषी रंगों का समावेश करती है। ये इन गुलाब को देख के, इन फूलों को देख के हमें समझ आता है। ये सब आज खिल रहे हैं। आप सोचिए 40 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर पिछले 15-20 दिन से जोधपुर का है, और जोधपुर एक एरिड जोन है। ये मेरा गीत, मेरा संगीत कल भी कोई दोहराएगा। करीब 250 से 300 डिफरेंट वैरायटीज़ इस वक्त गोकुल में हैं, और शायद 100-150 में रंगों के गुलाब इस वक्त खिले हुए हैं। सही गाइडेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। हर चीज मुस्कुराह के, खिलखिला के गोकुल में खिल रही है, रंग बिखेर रही है, खूबसूरती के रंग बिखेर रही है। ये भी उतना ही प्यार चाहते हैं
जितना हमारे बच्चे चाहते हैं। तो इनको अगर हम वो स्नेह प्यार देंगे तो इनका रिस्पॉन्स जो आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है। The entrance to गोकुल। मैं रविंद्र काबरा हूँ, इस गोकुल का बागवान। आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को अगर आप देखें तो ये सारे फूल जो आज आप वीडियो में देख रहे हैं सब लाइव हैं, जो इस समय गोकुल में खिले हुए हैं। जेकोमेंशिया, अ ब्यूटीफुल क्रीपर। ये प्लूमेरिया चंपा के अलग अलग कलर्स जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, करीब 30 कलर हैं गोकुल में इस वक्त। तो अगर आपके पास जगह है तो ये सभी फूल आप अपनी बगिया में भी खिला सकते हैं। निश्चित तौर पे प्रयास बहुत करना पड़ेगा, इनसे जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रकृति इस तरह से मुस्कुराहट आपके जीवन में बांटेगी। अडेनियम्स, बहुत खूबसूरत प्रकृति की यह इंद्रधनुषी दुनिया है। यह टेरेस है जहाँ करीब 250-350 अडेनियम्स इस वक्त ऊपर गोकुल पे हैं, गोकुल के टेरेस पे हैं। ये मोगरा जो ठाकुर जी की पूजा के लिए है, एक बार 20 दिन झूम के खिला था, अब वापस एक वीक बाद में रोज़ के करीब 300-400 फूल रोज के फिर से खिलेंगे। मोगरे में भी आप अगर खाद और प्रूनिंग कटिंग सही समय से करेंगे, इस वक्त एक फ्लावरिंग हो चुकी है, करीब 250-300 फूल रोज़ खिल रहे थे और उम्मीद है कि एक वीक में फिर से वही नज़ारा यहाँ हो जाएगा। कलर ये सबसे कॉमन वैरायटी है, अद्भुत रंगों की दुनिया है चंपा की, प्लूमेरिया की। ये एक और बहुत खूबसूरत कलर चंपा का, प्लूमेरिया का। अभी 7-8 कलर करीब खुले हैं। ये एक और खूबसूरत कलर,
और ये बोगनविलियास, और ये छत से ली गई है। इस वक्त बोगनविलियास सारी छत पर हैं और गर्मी को देखते हुए इस तरीके से कवर किया है ताकि जहाँ जिन पौधों को छाया चाहिए वो उनको छाया अच्छे से मिले, और उन्हीं पौधों को इन जो आप देख रहे हैं ये इसके नीचे रखा हुआ है कवर करके। ये बोगनविलियास की अद्भुत दुनिया, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन हर चीज़ में जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कब प्रूनिंग करनी है, कब खाद देनी है, कितना पानी देना है, इन सब का जब हमको आइडिया होगा तो सर्दियों में इनमें एक पत्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ फूलों से भरी होती हैं बोगनविलियास गोकुल में और जहाँ जहाँ भी मैंने प्रोजेक्ट किए हो। वहाँ हमारे सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं, ऐसे वर्ष आते हैं जब जीवन में अंधकार छा जाता है, और उस वक्त हमें ये नज़र नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, ज़िंदगी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ भी आज से 30 साल पहले ऐसा हुआ था, 3 वर्ष डिप्रेशन में चला गया था और प्रकृति से जुड़ा था, लेकिन एक साल वो डिप्रेशन पीरियड इतना ख़राब था कि पिछले 42 इयर्स से जब से मैं गोकुल को बनाया है, एक साल उस डिप्रेशन के पीरियड में मैंने आना छोड़ दिया था गार्डन, और मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। फिर से वापस जुड़ा और आज ज़िंदगी में मुस्कुराहट ही ज़िंदगी है, और कोशिश यह ही है कि और जितनों के ज़िंदगी में मुस्कुराहट बांट सकूं मैं बांटूं, और इसीलिए गार्डनिंग का जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो नॉलेज मुझे है उसे मैं वेबिनार्स के थ्रू शेयर कर रहा हूं। बहुत जल्दी कुछ वीडियोस छोटी छोटी अलग अलग टॉपिक्स पे लगा के शेयर करूँगा यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। इट इज़ इन माय नेम ओनली रविंद्र काबरा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इट वुड बी जॉय ऑफ गार्डनिंग विथ रविंद्र काबरा। तो जो भी सब्जेक्ट्स मैं जानता हूँ, 4 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कभी टच नहीं किए क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता। सकलेंस, कैक्टाई, ये मेरे 2 चीज़ और 1-2 चीज़ और है जो मैंने कभी नहीं की है, तो उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और अब इतना समय नहीं है कि मैं उनको भी ऐड कर लूँ गोकुल में, जगह की भी कमी है। तो मैं वेबिनार के माध्यम से शेयर करूँगा, यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँगा, तो आप लोग जो भी कुछ जो मैं शेयर करूँ, जानना चाहें, सुनना चाहें, तो यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को हो सके इस लिंक को आप शेयर करें ताकि औरों को भी इसका पता लगे, और जीवन की हर मुश्किल, डिप्रेशन, हेल्थ जो आज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम जिम जाते हैं। मैं 67 इयर्स का हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, अकेले रोज़ 200 से 300 गमले हर वीक में करीब 700-800 गमले इधर से उधर मूव करता हूँ, जो करीब 6 से 8 किलो का एक गमला होता है, उनको मैं अकेला मूव करता हूँ। तो ये प्रकृति हमको फिटनेस देती है, प्रकृति हमको प्रसन्नता देती है, खुशियाँ देती है, मुस्कुराहट देती है। आप जैसे हज़ारों दोस्त आज रविंद्र काबरा को जानते हैं, वो क्यों जानते हैं, गोकुल की वजह से जानते हैं, प्रकृति प्रेम की वजह से जानते हैं, और जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए शायद मुझे एडमायर करते हैं। क्रोध जीवन से करीब करीब चला गया, पॉजिटिविटी जीवन में चारों तरफ से आ गई, इंस्पिरेशन रोज़ मुझे नित्य नया मिलता है, यहाँ
गार्डनिंग करके। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्रकृति से जुड़ें, जीवन को मुस्कुराहट से भरें, यही मेरा आप सबसे संदेश है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अच्छी लगे तो इसको ज़रूर रविंद्र काबरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और औरों को भी इंस्पायर करिए, और अगर आप इस लिंक को औरों के साथ शेयर कर सकें तो आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी होऊंगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट मैसेज है, स्टे होम स्टे सेफ। पता नहीं हम इसमें से कब बाहर आएंगे, इस पैंडेमिक से कब बाहर आएंगे। हमको घर रहना है अपने लिए, अपनों के लिए। जीवन अमूल्य है और जब किसी पे बीतती है तब पता लगता है वस्तु स्थिति। सो ऐसा मौका नहीं आने दें, घर में रहें, सेफ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एंड बाय।